Yes, good morning students. Today our topic is different forms of the verb. आज हम अलग अलग forms के बारे में पढ़ेंगे. ये बहुत जरूरी होती है जब भी आप टेंसेस बनाते हैं या इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं या अपनी बात कहते हैं. इंग्लिश के यूज में सारी वर्ब्स आपको जरूर आनी चाहिए. पहली जो रो है, इन द फर्स्ट रो, ये बेसिक वर्ब्स हैं, रूट वर्ब्स हैं, ठीक है. और जो सेकंड रो है, इनमें इसका पास्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, ठीक है. मतलब ये पहले जब काम हो गया है उसके बारे में. और ये लास्ट वाला पास्ट पार्टिसिपल है. ये हम लोग हैड के साथ ज्यादा यूज करते हैं या पैसिव वॉइस को ज्यादा यूज करते हैं. ये सब आप लोग सीखोगे अभी, है ना. या तो आप सीख गए होंगे या आप सीखेंगे अभी. तो फर्स्ट फॉर्म है जैसे बी. बी का मतलब है यहाँ पे इज एम आर. इसका जो पास्ट सिंपल में लिखेंगे तो वाज वर, और पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे तो बीड. बीट, बीट मीन्स पीटना. पास्ट में बीट ही रहता है और पास्ट पार्टिसिपल में बीटन हो जाता है. बिकम, बिकेम, बिकम. बिगिन, बिगेन, बिगन. बैंड, बैंड, बैंड. बैट, बैट, बैट. इससे ही रहता है. बिट, बिट, बिड. बाइट, बिट, बिटन. ब्लो, ब्लू, ब्लोन. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड. बर्न, बर्न या बर्न्ड भी लगा सकते हैं, और बर्न या बर्न्ड. बाय, बॉट, बॉट. कैच, कॉट, कॉट. चूज, चूज, इसमें एक ओ कम हो जाता है यहाँ पे, और चूजन. कम, केम, कम. कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट. सेम रहता है. कट, कट, कट. डिग, डग, डग. तो फॉर्म्स पढ़ते हैं. डाइव, डॉ, डाइव. डू, डिड, डन. ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन. ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम. ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. ईट, एट, ईटन. फॉल, फेल, फॉलन. फील, फेल, felt. Fight, fought, fought. Find, found, found. Fly, flew, flown. Forgot, sorry, forget, forgot, forgotten. Forgive, forget, forgiven. Freeze, froze, frozen. Get, got, gotten. Give, gave, given. Go, went, gone. Grow, grew, grown. Hang, hung, hung. Have, had, had. अभी आज के लिए इतनी वर्ब्स हम लोग पढ़ेंगे. अगली क्लास में हम बाकी की फॉर्म्स भी पढ़ेंगे. बस आपको उसका यूज आना चाहिए. अगर हम आज की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो हमें इसमें से फर्स्ट फॉर्म लेने पड़ते हैं, जिसकी बेसिक फॉर्म है. जैसे जो भी हम डेली हम काम करते हैं, आई गो टू स्कूल, आई वॉक इन द मॉर्निंग, जो डेली हैबिचुअल जो हमारा होता है, डेली जो हम काम करते हैं, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सन राइज इन द ईस्ट, हमेशा निकल जाते हैं. तो जो डेली वाले होते हैं, हैबिचुअल, उनके लिए फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. जो पास्ट में हमने कर दिया है, जो हमने कल काम किया था, आई डिड इट यस्टरडे, कल मैंने इसको किया था, तो ये वाला जाएगा. और हैड, इसमें हम बहुत पहले जब कोई काम कर
पे होते हैं, हेड वाला, ठीक है, तब उसमें ही थर्ड फॉर्म आएंगे। ये सब आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जब आप टेंस सीखेंगे और जब आप अपनी बात को कहेंगे, अपने एक्सप्रेस करेंगे, तो आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आप जो है ऐसा कर सकते हैं, 10 वर्ब एक दिन में याद कर सकते हैं और उसको आप लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।